हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं केपी शुक्ला फ्रॉम शुक्ला एजु गैलेक्सी आज आपके लिए यह वीडियो लेकर आया हूं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है, ये वीडियो तो इसका नाम बहुत सिंपल है, सिंगुलर से प्लूरल बनाना, एक वचन को बहुवचन बनाना। लेकिन आपने ढेर सारे नियम पढ़े होंगे, नियमानुसार आप करते जाएंगे तो हो सकता है कभी कभी आपको इसमें रॉन्ग हो जाए। तो ऐसा कभी आपके लाइफ में ना हो, इसके लिए जो भी नियम पढ़ते हैं उससे संबंधित प्रश्नों को, अलग अलग शब्दों को देखिए, समझिए, हमेशा उस पर निगाह रखिए। क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें नियम को तोड़ के बनती हैं, जिन्हें हम एक्सेप्शन बोलते हैं या अपवाद बोलते हैं। एग्जाम्पल लिए आप देखेंगे, यहाँ पर दिया गया फोटो, फोटो को बनाना है प्लूरल, लेकिन ध्यान रखना इसका नियम क्या है। अगर किसी शब्द के लास्ट में ओ है और ओ के पहले आपको यहाँ पर वॉवल है, तब तो आप वहाँ पर केवल एस लगाते हैं, ठीक है। अगर ओ के पहले कॉन्सोनेंट है तो आप वहाँ पर ई एस लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये दोनों नियम ही टूट रहे हैं। क्यों टूट रहे हैं? फोटो में ओ के पहले टी है, मतलब ओ के पहले कॉन्सोनेंट है, नियमानुसार होना चाहिए यहाँ पर ई एस, मतलब ये सही होना चाहिए। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, याद रखना, फोटो का प्लूरल ये फोटोज नहीं होगा। अगर आप ऐसा कभी करते हैं तो 100% आप वो मिस्टेक कर रहे हैं और आपका नंबर यहाँ पे जा सकता है। तो क्या करेंगे है? यहाँ पर करेंगे हम, यहाँ पर देखिए पी एच ओ टी ओ एस। यद्यपि 99% लोग इसे रॉन्ग मानेंगे, लेकिन आप पक्का कन्फर्म हो जाइए फोटोज, फोटो का प्लूरल यही होगा, यस होगा, यस नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन देखिए, ए है फोटोज नहीं है, फोटम नहीं है। यहाँ पर सी देखिए, फोटोज आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट है, ठीक है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू में क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर टू, गिव द प्लूरल फॉर्म ऑफ लीफ। लीफ, अब इसका नियम देखिए, किसी भी शब्द के लास्ट में अगर यफ या यफ ई होता है तो यफ या यफ ई को निकाल के वहाँ पर लगाते हैं वी ई एस, मतलब इसका हो जाएगा एल ई ए वी ई एस, लीव का प्लूरल लीव्स हो जाएगा। आइए देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सा है जो सही होगा। सामने आपका है लीव्स, लीव, लीव्स, लीव्स, कौन सही है? लीव्स है। क्यों सही है? क्योंकि यफ या यफ ई आने पर हम लास्ट में यफ या यफ ई को निकाल करके यहाँ वी ई एस कर लेते हैं। अब आइए इसी तरह देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम थर्ड में क्या जाते हैं, यह देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, आइडेंटिफाई द नाउन यूज्ड बोथ फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। यहाँ पर दिया गया है, इसमें पता करना, आइडेंटिफाई नाउन यूज्ड बोथ फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। ऐसा एक नाउन निकालो जिसका सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है, कोई चेंज नहीं होता। देखिए शीप, शीप एक ऐसा वर्ड है जिसका सिंगुलर प्लूरल कभी भी अलग अलग नहीं होता है, सेम होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ध्यान रखना, शीप है, डियर है, कैटल है, कुछ ढेर सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनका हम प्लूरल या सिंगुलर अलग अलग नहीं मानते हैं, दोनों को एक ही मानते हैं, तो ये आपका हो गया शीप। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर में, गिव द प्लूरल वर्ड आ ब्रदरन। ब्रदरन किसका प्लूरल है? आइडेंटिफाई सिंगुलर वर्ड फॉर द अमंग द दीज अल्टरनेटिव। गिवन द प्लूरल, ये ब्रदरन प्लूरल है, और ध्यान रखना ब्रदरन का सिंगुलर ब्रदर होता है और ब्रदर का प्लूरल ब्रदरन होता है, तो आपका सही कौन सा होगा? ब्रदर, ये ऑप्शन नंबर ए चौथे में सही होगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव में, आइडेंटिफाई द प्लूरल फॉर्म विच इज़ इनकरेक्ट। नीचे कुछ दिए गए हैं प्लूरल फॉर्म जो इनकरेक्ट हैं, उसी को आपको आइडेंटिफाई करना, पहचानना है। नंबर एक देखिए, ये है कमांडर्स इन चीफ, ये सही है, याद रखना कमांडर्स इन चीफ, प्लूरल कमांडर इन चीफ मत करना, कमांडर्स इन चीफ ये सही है। अगला है माउस, माउस क्या होता है? माउस प्लूरल है, किसका प्लूरल है? माइस, माउस का प्लूरल माइस है, ये भी तो सही है। अगला है सन इन लॉज, सन इन लॉज ये गलत है, ऐसे में जहाँ पेयर में है
आप यहाँ सन्स करेंगे, यहाँ लॉ करेंगे, सन्स इन लॉ, तब ये सही होगा। और ये मेन तो सही है, इसका मतलब सी जो ऑप्शन है ये रॉन्ग है, यहाँ मिस्टेकन क्या है, सन्स इन लॉ होना चाहिए। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट प्लूरल फॉर्म्स अमंग द फॉलोइंग, नीचे दिए गए कुछ दिए गए पेयर में इसमें इनकरेक्ट क्या है वो पहचानना है। स्टेप्स डॉटर, स्टेप्स डॉटर, अब स्टेप डॉटर का प्लूरल नहीं बनता है, स्टेप डॉटर ही रहता है या स्टेप डॉटर्स रहता है, ये रॉन्ग है। डॉटर्स इन लॉ सही है, पोटैटो सही है, कॉब सही है, ये सही है, ऊपर का ए आपका रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 7, इफ लिव्स इज प्लूरल फ्रॉम द नाउन देन व्हाट इज द सिंगुलर फॉर्म, अगर मान लीजिए लिव एल आई वी ई एस यहाँ पर है, वी ई एस, तो जब वी ई एस यहाँ पर लाइव्स है ये प्लूरल है तो इसका सिंगुलर क्या होगा, वी ई एस को निकाल कर हम या तो यफ करेंगे या तो यफ ही करेंगे। अब सोचिए जरा, एल आई एफ तो कुछ होता नहीं, लाइफ होता है, लाइफ का प्लूरल लाइव होता है, आपका सही आंसर हो जाएगा लाइफ, ध्यान देना। नेक्स्ट, एट, चेंज द फॉलोइंग सिंगुलर नाउन इनटू करेक्ट प्लूरल फॉर्म, सीप, ध्यान देना यहाँ पर भी। अब ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो बराबर बार बार नहीं मिलते हैं, कभी कभार मिलने धोखा दे जाते हैं, सीप का प्लूरल क्या होगा। अब अगर हम यहाँ बताना चाहें आपको सीप का प्लूरल, तो लास्ट में यफ है और यफ का भी अभी आप पढ़ के आ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, किसी भी शब्द के लास्ट में अगर यफ या यफी होगा उसको निकाल कर वी ई एस करेंगे, आपका आंसर ये सही हो जाएगा, सीव्स।